कितने 36 ये हैं दोस्त और 45 ये हैं। अब जो भी बच्चे यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब के लिए आप एक बढ़िया कॉपी बनाइए, प्लेलिस्ट हमने पूरी आपको बना के दे रखी है, पहले दिन से देखना स्टार्ट करिए। पूरी 15 वीडियोस आपको मिलेंगी, आराम से 15 वीडियोस देख डालिए और हम इस बात की गारंटी ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा पूरा पेपर आप आराम से करके आओगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज अपना सीरीज का डे 4 है, ठीक है सर, और हम लोग प्रॉपर एक एक करके स्टेप वाइज आगे बढ़ते जाएंगे और 15 वीडियो के अंदर हम लोग पूरी 12th की इंग्लिश कवर कर लेंगे सर, ठीक है। तो आज जो है सिनोनिम और एंटोनिम्स हमने आप लगभग यहाँ पे छांटे हैं, ठीक है। इसमें हमने हमारी मदद की है रजत भाई ने, आयुष भाई ने, देखिए लगभग 45 यहाँ पे सिनोनिम्स हैं, ठीक है सर, और लगभग 36 यहाँ पे सर एंटोनिम्स है सर, ठीक है। अगर ग्रामर, अगर आपको इंग्लिश में अच्छे नंबर बनाने हैं तो आपको ग्रामर का सेक्शन सही करना पड़ेगा, और जो वोकैब्स होती है वो आप कितनी भी अच्छी कर रहे हैं सर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत करता। तो जितने भी 2022 में आए हुए थे वो सारे हम लोगों ने छांट लिए हैं, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट हो सकते थे वो छांट लिए हैं, कुछ और टीचर्स के नोट, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं और उसके बाद रिसर्च के बाद इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो इतने तो आप कम से कम जरूर पढ़ें, बाकी जो भी आपको मिले वो भी आप पढ़ें सर, ठीक है। तो सिनोनिम्स का मतलब भाई होता है, सिनोनिम्स का मतलब होता है एक जैसा यार, ठीक है, उसके जैसा आपको दूसरा शब्द बताना होता है, ठीक है भाई। तो चलिए सर दूसरा शब्द बताएंगे, क्या ही दिक्कत है। तो सबसे पहले देखिए एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो है वो है लॉडेबल, क्या है लॉडेबल दिखाते हैं सर आपको, एक मिनट का बस टाइम दी, चलिए सर। तो सबसे पहला अपना है लॉडेबल, मतलब प्रशंसा करने योग्य, जिसका जिसकी प्रशंसा की जा सके। अब पेपर में मान लिया ये आ गया, हमने यहां पे लिखा हुआ प्रेजवर्दी, अब जरूरी नहीं है प्रेजवर्दी लिखें आप, प्रेजफुल लिख सकते हैं, बल्कि प्रेजेबल लिख सकते हैं सर, ठीक है। अपने हिसाब से आपको लगे कि इससे मिलता जुलता शब्द है तो आप लिख दो, नंबर आपको मिल जाएंगे। तो लॉडेबल का मतलब होता है प्रशंसा करने योग्य, ये सारे 2022 में आए हुए हैं सर, ठीक है। डिस्पाइज का मतलब होता है घृणा, तो आप हेट लिख सकते हैं सर, ठीक है। फ्रैंक, लोग कहते नहीं बड़ा फ्रैंक हो यार, स्पष्टवादी, डायरेक्ट कहने वाला व्यक्ति, तो फ्रैंक का डायरेक्ट हो जाएगा सर, ठीक है। एक्यूट, एक्यूट मतलब तीव्र, तेजी, तो आप देखिए यहां पे लिखा हुआ है सेवियर लिख सकते हैं या फिर आप इंटेंस लिख सकते हैं, ठीक है, क्विक लिख सकते हैं। जब भी देखिए सीधी सी बात यह है, उससे मिलता जुलता, हमने बीच में पेपर में हिंदी नहीं आती है ये, फिर ये हिंदी क्यों लिखवाई है, हिंदी इसलिए लिखवाई है ताकि आपको उसकी मीनिंग पता हो। पेपर में तो अब जो नया पैटर्न है, आपको चार ऑप्शन दे रखे होंगे, इनमें से कौन सा सही है, और बहुत आराम से आप टिक लगा दोगे सर, ठीक है। तो जो भी दे रखा होगा आप आसानी से पहचान लोगे सर, ठीक है। तो मिलता जुलता आपको इनकी मीनिंग पता होनी चाहिए। बेन, बेन मतलब होता है श्राप, कर्ष माने भी श्राप होता है भाई, ठीक है। उसके बाद क्रूअल, क्रूअल मतलब निर्दयी, ठीक है, तो ब्रूटल लिख सकते हैं। एडमिट मतलब स्वीकार करना, कन्फेस। एडवर्सिटी मतलब दुर्भाग्य, तो मिस फॉर्चून लिख सकते हैं सर, ठीक है। उसके बाद अपोलॉजी मतलब क्षमा मांगना, तो एक्यूज, ठीक है सर। बैटल मतलब क्या होता है, युद्ध, तो युद्ध के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, लॉन्ग फाइट, एक लंबा, या सिर्फ फाइट लिख सकते हैं। तो यानी कुल मिला के पेपर में पहले तो चार विकल्प होंगे, अगर आपको पता है इसकी मीनिंग क्या है तो फिर आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली है उसका चार में से एक विकल्प ढूंढना, ठीक है भाई। उसके बाद करप्ट मतलब भ्रष्ट होता है। उसके बाद कॉन्फिडेंस, डिलाइट, डेरोगेटरी, डिजास्टर, डेड, सबका मतलब हमने यहां पे लिख रखा है। कॉन्फिडेंस मतलब भरोसा यानी कॉन्फिडेंस, ठीक है। उसके बाद डिलाइट मतलब आनंद यानी प्लेजर, ठीक है। डेरोगेटरी मतलब अपमानजनक। उसके बाद डिजास्टर मतलब बर्बादी हो जाना पूरी तरीके से। तो अब जरूरी नहीं आप यही देखें, जैसे यहां पर लिखा हुआ है क्लैमिटी, कैलेमिटी का मतलब होता है, कैलेमिटी का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, जरूरी नहीं आप ये लिखें। हमारे विकल्प में आपको डिस्ट्रॉय मिल गया, इस तरीके की कुछ चीज मिल गई तो वो लगा देंगे आप, जरूरी नहीं जो यहां पे लिखे हुए हैं वही बोले आप, ठीक है। आपको चार में से एक विकल्प ढूंढना होगा, आप आसानी से कर पाएंगे। अभी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से आपको ढूंढना होगा, बस दो मिनट का टाइम दीजिए हमें। डेड मतलब होता है मृत यानी मरा हुआ, तो गॉन या डेडली, ठीक है। इसकी जो पूरी पीडीएफ है वो हम आपको देंगे, कहां, टेलीग्राम पे जाके सर्च करिए बी डिकेडेंट 12th, आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी, पढ़ डालिए फटाफट से सर, ठीक है। हम एक बार इसलिए पढ़ के सुनाए दे रहे ताकि आपको दिक्कत ना हो। डिस्प्ले जो दिखाई देता है, प्रदर्शनी, एग्जीबिशन भी बोलते हैं उसी को। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ, जो लंबे समय तक चले वो ड्यूरेबल यानी लास्टिंग। एंथुसियाज्म एक बहुत अच्छा वर्ड है, उत्साह, लोग कहते नहीं तुम बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म से भरे हुए व्यक्ति हो, उत्साह से, ये आदमी को, आदमी के अंदर यह होना ही चाहिए। आजकल ये वर्ड एंटरप्रेन्योर, एंथुसियाज्म, ये सारे मीनिंग बहुत चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो बच्चे यहां पढ़ने वाले इस वीडियो को देख रहे हैं
हम ये जरूर देंगे सर, ठीक है। हम अगर होते पेपर बनाते तो हम ये वर्ड जरूर देते, एंथुसियाज्म, ये बहुत अच्छा वर्ड है सर। आजकल जिस हिसाब से जनरेशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग, और इसमें आप लिख सकते हैं क्या, स्पिरिट, किसी काम को करने के लिए उत्साह, स्पिरिट, उमंग, ये सारी चीजें सर, ठीक है। उसके बाद फेम यानी प्रसिद्धि, कौन है जो फेम नहीं चाहता, सेलिब्रिटी, कौन नहीं चाहता प्रसिद्धि ना हो, हर आदमी। यहाँ यूट्यूब पे कहीं ना कहीं हम आए हुए हैं, ठीक, तो हम भी चाहते हैं लोग हमें पहचाने जाने, हाँ, कोई बहुत ज्यादा नहीं ठुमके लगा लगा के जानना चाहता, कोई अपनी इज्जत रिस्पेक्टेबल इमेज बनाना चाहता, वो वाला मामला है सर, ठीक है। उसके बाद फैटल मतलब घातक होता, डेडली, हेवन, ठीक है, हेवन, हेवन मतलब शरण यानी रेफ्यूज, हाइड मतलब छुपाना, हम्बल मतलब नम्र, इन्वेशन मतलब हमला, लीगल मतलब कानूनी, लाई मतलब झूठ, ठीक है, फॉल्सहुड, इस तरीके की चीजें देखिए सारा यहाँ पे लिखा हुआ लगभग। लेमेंट मतलब बिलाव करना, वेल, प्रे मतलब प्रार्थना करना, प्लीड, पैराडाइज मतलब स्वर्ग, इसका भी हेवन, ठीक है। रिलायबल का मतलब जिस पे भरोसा करा जा सके, ट्रस्ट वर्दी। स्पाइट का मतलब द्वेष यानी मैलिस, ठीक है सर। समिट का मतलब होता है चोटी या शिखर, तो पीक लगा सकते हैं उसके लिए, देखिए पीक मतलब भी चोटी होती है। उसके बाद टिमिड मतलब होता है कार या डरपोक, तो कवर्ड। ट्रिम मतलब विक्ट्री यानी विजय। वैकेंट माने खाली यानी एम्प्टी, ठीक है, इस तरीके की चीजें। फ्रूगल मतलब मित व्ययी, सेविंग, मित व्ययी मतलब फालतू खर्च करने वाला, मतलब बचाने वाला, ठीक, कम खर्च करने वाला, तो सेविंग। उसके बाद चैप का मतलब बच्चू यानी रेडन, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं जो कि बहुत आसान है। और उसके बाद ये कुछ और है, अजीब मछली होती है स्ट्रेंज, जब भी कभी अजीब आ जाएगा तो उसकी जगह स्ट्रेंज लगा देंगे। बाज के लिए एरिड लगा देंगे, ठीक है। बैरन बोलते हैं, बंजर बोलते हैं जिसे, उसे बांझ कह लें, या फिर ये बच्चे ने बांझ लिख दिया, बंजर होता है इसका मतलब, ठीक है, जहां पर कुछ ना हो। उसके बाद चतुर, ठीक है, आजादी, पुरस्कार यानी फ्रीडम, अबॉर्ड, टॉप, ब्रेव, निम्बल, ये सारे, फियरलेस, ये सारे के सारे आप पढ़ लेंगे, ठीक है। हमने इसलिए ऊपर भी बढ़ा दिया ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले पाए। ये इतने सारे सिनोनिम हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर है एंटोनिम्स, ठीक है, एंटोनिम्स देखिए भाई, स्टेल मतलब होता है बासी का, मतलब होता है नहीं, बासा खाना रात का होता है, उसे स्टेल बोलते हैं, फ्रेश, ताजा। अब एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द, उसका उल्टा। ये पेपर में दो नंबर में जरूर आएंगे, लेकिन स्टार्टिंग की जो ग्रामर अगर आपने वो सही कर दी तो कॉपी चेक करने वाले को लगता है ये बच्चा बहुत काबिल है, इसे तो सब सही है, सही आता है, मीनिंग सही है, वोकैब सही, लेटर सही, एप्लीकेशन सही, आर्टिकल सही है, इसकी बाकी कॉपी भी ठीक होगी। अंधाधुंध नंबर मिलके आराम से 80-85-90 के करीब करीब आदमी पहुंच जाता है, कम मेहनत करके भी। तो बस इतना ही करना, ग्रामर को आपको अच्छे से तैयार करना है। बाकी हम आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें सारे लॉन्ग होंगे उतने पढ़ लीजिएगा, सारे शॉर्ट होंगे उतने पढ़ लीजिएगा। मेहनत के बाद वीडियो सर बनती है, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स की जरूरत है भाई, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत है तो नीचे कॉमेंट करके बताया करें। एक एक चीज आपके लिए ढूंढ के ला रहे हैं, ये नहीं है चार चीजें लगा ली और उसके बाद आके बक्के चलेगा, व्यूज बटोलिए, वो वाला काम नहीं है भाई, ठीक है। तो सेवियर गंभीर, नॉलेजेबल या नॉलेज मतलब ज्ञान, ठीक है, इग्नोरेंस, नॉलेज मतलब होता है ज्ञान, इग्नोरेंस मतलब अज्ञान, कुछ आता जाता नहीं, अनपढ़ टाइप आदमी। वर्च्यू मतलब गुण यानी वाइस, उसका एंशियंट मतलब प्राचीन, तो मॉडर्न मतलब नया, ठीक। ऑप्टिमिस्टिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, ठीक, ऑप्टिमिस्टिक आप जरूर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लें, ये हैं तो सारे ही इंपॉर्टेंट, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक ये बहुत वर्ड है, आशावादी, आज की डेट में ये वर्ड बहुत यूज किया जा रहा है, तो इसका उल्टा हम लोग क्या कर देंगे, निगेटिव, ऐसा व्यक्ति जिसे जो है मतलब निगेटिव बातें करता रहता है। अलाइव मतलब जीवित, ठीक है, डेड। एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त, अराइव माने आना, डिपार्ट मतलब जाना, सुना होगा आपने ट्रेन वगैरह जो होती है वहां पे आता है अराइवल, डिपार्चर, ये सारी चीजें होती हैं। एडवर्सिटी का प्रॉस्पेरिटी, ठीक, प्रॉस्पेरिटी। उसके बाद एम्पल, बैरन मतलब भाई, बैरन का क्या हो जाएगा, फर्टाइल, बंजर का क्या हो जाता है, उपजाऊ, फर्टाइल। बून मतलब वरदान का वेन, ठीक है, ब्रॉड मतलब चौड़ा, नैरो, डिफीट मतलब हराना, विक्ट्री, डोमेस्टिक मतलब पालतू, तो वाइल्ड मतलब जंगली, डिपार्चर मतलब जाना, तो अराइवल माने आना, फ्रैंक मतलब स्पष्टवादी, डिसऑनेस्ट मतलब बेमान, उल्टी सीधी बातें करे, घुमा फिरा के कहे। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, तो रिजिड, हैप्पीनेस का पेन, ऑनेस्टी का डिसऑनेस्टी, ऑनर का डिसऑनर, मॉन का मतलब था शोक, डिलाइट, पैट्रियॉट का ट्रेटर, ठीक है, यानी देशद्रोही होता है, ट्रेटर मतलब गद्दार। प्लेंटी मतलब पर्याप्त, लिटिल, ठीक है, पॉवर्टी का मतलब रिचनेस, ठीक, पॉवर्टी मतलब गरीबी, तो प्रीशियस का वैल्यूएबल यानी वर्थलेस। उसके बाद प्रीशियस का अगर सिनोनिम कोई कहे तो वैल्यूएबल हो जाएगा, क्योंकि प्रीशियस का मतलब होता है बहुमूल्य, ठीक है। रिलीजियस धार्मिक, इररिलीजियस लगा दिया, अब ये भी देखिए अगर कुछ ना समझ में आए तो आई आर आगे लगा के काम चला, आई आर आई एन इस तरीके के लगा के काम चला दिया। स्मूथ मतलब चिकना, तो रफ, ठीक है। सेवियर मतलब गंभीर, तो माइल्ड। वॉर माने युद्ध, तो पीस,
करेजियस मतलब टिमिड, और कॉन्सेंट मतलब सहमति, तो डिसेंट कंसेंट का, और इकोनॉमिकल का मतलब किफायती यानी अपने रेट में, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, कन्विक्ट मतलब दोष सिद्धि, और आखिरी में एबव मतलब ऊपर, तो लेस देन मतलब नीचे सर, ठीक है। तो ये लगभग कितने 36 ये हैं दोस्त और 45 ये हैं। अब जो भी बच्चे यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब के लिए आप एक बढ़िया कॉपी बनाइए, प्लेलिस्ट हमने पूरी आपको बना के दे रखी है, पहले दिन से देखना स्टार्ट करिए, पूरी 15 वीडियोस आपको मिलेंगी, आराम से 15 वीडियोस देख डालिए, और हम इस बात की गारंटी ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा पूरा पेपर आप आराम से करके आओगे। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, BDCadent 12th जाके सर्च कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे इतनी ऑडियंस नहीं है 12th वाली, 200-300-400-500 लोग ही देखते हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है वो 300-400 लोग भी अच्छे से पेपर को कर पाएं। बस दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और डे 5 का इंतजार करिए, जब तक डे 15 आएगा पूरी इंग्लिश आपकी A to Z कवर हो जाएगी, इस बात की गारंटी है। मन लगा के बस आपको पढ़ना है और वीडियो आने का इंतजार करते रहना है। कैसे पता चलेगा वीडियो आ गई है, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पे जाना है, BDCadent 12 सर्च कर लेना, जैसे ही वीडियो आती है वहां पे लिंक शेयर कर दिया जाएगा। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।